दोस्तों क्यों डोरेमोन का एनीवेयर डोर 20,000 साल बाद भी इन्वेंट नहीं होना चाहिए और क्या जियो सिम तेल से बना है? तेल और जियो सिम का क्या कनेक्शन है? दोस्तों ऐसे ही फैक्ट्स जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर वन, एनीवेयर डोर 20,000 साल बाद भी मत आना। दोस्तों अगर डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं भी जा सकता है तो वो बार बार बैम्बू कॉर्पोरेट का यूज क्यों करता है? दोस्तों इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग है। दोस्तों अगर आप कहीं जाते हैं तो डेस्टिनेशन से ज्यादा मजा जर्नी में आता है। जिन्होंने भी जिंदगी को गहराई से देखा होगा उनको पता होगा कि मंजिल से ज्यादा मजा सफर में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिंदगी तमाम तजुर्बात के बारे में है। सिर्फ डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती बल्कि बीच की जर्नी भी मैटर करती है। जर्नी ही सबसे ज्यादा एंजॉयबल होती है। अगर रियल लाइफ में एनीवेयर डोर इजाद हो जाएगा फिर तो घर से कोई बाहर निकलेगा ही नहीं, सब बोरिंग हो जाएगा। ना वो कार ट्रिप रहेगा और ना ही वो ट्रेवल करते टाइम चाय का मजा रहेगा। इसीलिए एनीवेयर डोर असल में इन्वेंट ना ही हो तो बेहतर है। नंबर टू, ऑयल को फ्लिप करो जियो आएगा। जियो कंपनी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये लोगो पूरी दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में से एक है, पर ये नाम जियो आया कहां से? असल में रिलायंस कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तेल यानी पेट्रोलियम। तो वर्ल्ड ऑयल को अगर आप करोगे तो आएगा जियो। क्या आपको पता है ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है यानी काला सोना, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी दुनिया को रन कर रही है। अगर अभी एक सेकंड में ऑयल खत्म हो जाए तो ना आपको खाना मिलेगा और ना आपको ठीक से पानी मिलेगा, पूरी दुनिया डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप ऑयल ड्रिलिंग की वीडियोस को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी खतरनाक जगहों पर ये मजदूर ऑयल निकालते हैं, और यही वो लोग हैं जो हमारी दुनिया को पावर करते हैं। जो ऑयल ड्रिलिंग का काम है, जो कि आपने ये स्कैरी सी वीडियोस में देखा होगा कि ये पूरी दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है और इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, डेटा एक नॉर्मल सी चीज मानी जाती थी, इंटरनेट की जीबी की बात हो रही है, लेकिन डेटा को भी अब गोल्ड के रूप में देखा जाता है। डेटा भी एक तरह का गोल्ड हो गया हमारी दुनिया के लिए और इसी को जियो ने बूस्ट किया था। तो ब्लैक गोल्ड से डिजिटल गोल्ड, ऑयल को फ्लिप करो जियो। तो यही कनेक्शन था ऑयल और जियो का। नंबर थ्री, जॉब्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उसका भी एक डीप रीजन है। दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम और बाकी सारी जगह जहाँ यूथ एक्टिव रहता है वहाँ पर रील्स के जरिए यूथ को समझाया जाता है कि बिजनेस शुरू करो, नौकरी में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन जरा सोचो, अगर हर कोई बिजनेस करने लगा तो एम्प्लॉय कौन बनेगा? और दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो 10-20 लाख रुपए का रिस्क ले सके जिसमें डूबने का भी पोटेंशियल होता है। ध्यान से सोचो कि अगर इस दुनिया में जॉब करना वर्थ इट नहीं होता, किसी के सर्वाइवल को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाता, तो जॉब वाला सिस्टम कब का खत्म हो चुका होता हमारी इस दुनिया से। लोग जॉब अभी भी इसीलिए करते हैं और मेजोरिटी जॉब ही करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही पीसफुल तरीका होता है पैसे कमाने का। अब आप कहेंगे कि नहीं, पीसफुल बोलना गलत होगा, टेंशन होता है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका कोई रिस्क नहीं होता कि आपका 20-30 लाख रुपए लगा हुआ है और वो कभी भी डूब सकता है। इसीलिए अगर आप जॉब करते हो या फिर आपकी जॉब लगने वाली है तो ये जो रील्स होती है उससे अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि जैसे जॉब करने वाले लोग इन्फीरियर है और बिजनेस करने वाले सुपीरियर है। लेकिन आप कोई भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ले लें, डेटा ले लें, बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अगर बिजनेस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 80% होती तो हर कोई यही कर रहा होता, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन जो कि 1990 के वक्त में भी अपने स्टारडम के टॉप पे थे, उन्होंने भी बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे, लेकिन वो तो एक एक्टर हैं, उनका काम है एक्टिंग करना। वो जैसे ही बिजनेस में गए तो बैंकक्रप्ट हो गए थे। ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो बिजनेस ट्राई करते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि अपना काम ही ठीक है। नंबर फोर, फूड डिलीवरी एप्स खुद में ही खुश होते हैं। दोस्तों जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म्स की सबसे खराब बात क्या है, उसमें लोग बता रहे थे कि जब आप कोई फूड ऑर्डर करते हो तो आपको एक टाइम बताया जाता है कि इतने मिनट्स में फूड डिलीवर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ही टाइम सेट करते हैं कि हम इतनी देर में डिलीवर करेंगे और खुद ही खाने को जल्दी भेज देते हैं और खुद ही क्रेडिट ले लेते हैं कि आपका खाना 10 मिनट पहले डिलीवर हुआ। नंबर फाइव, गिव अ ब्लाइंड मैन साइट फॉर 10 सेकंड्स। दोस्तों ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने ड्रग्स के बारे में तो सुना होगा, क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े ड्रग्स होते हैं वो लोग लेते हैं तो छोड़ क्यों नहीं पाते? अभी आप सोचो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ड्रग ना लो, आप एडिक्ट बन जाओगे, तो आप मुझे ये कहोगे कि मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ कि एडिक्ट बन जाऊँ, मैं बस ट्राई करूँगा और छोड़ दूंगा। दोस्तों ऐसा बहुत से लोग कहते हैं लेकिन फिर भी कोई ड्रग एक बार ट्राई करता है। यहाँ बात हो रही है हार्डकोर ड्रग्स की, तो वो छोड़ क्यों नहीं पाते, एडिक्शन क्यों हो जाती है? दोस्तों ड्रग्स कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि अंधे इंसान को 2 सेकंड के लिए रोशनी दे दी जाए। कोई अंधा इंसान जिंदगी भर अंधा रहा, उसको मैंने 10 सेकंड के लिए विजन दे दिया, फिर वो अंधा हो गया 10 सेकंड के बाद, तो आपको लगता है कि
एक बार वो विजन पाने के बाद उस एक्सपीरियंस में वापस लौटना नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान उस विजन को पाने के लिए कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है दोस्तों, इट्स लाइक गिविंग साइट टू अ ब्लाइंड पर्सन। वो लेने के बाद इतना हाई डोपामिन फील होता है कि वैसा नॉर्मली कोई भी फील नहीं कर सकता।